हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन नीट में 2006 में आया हुआ है कि दो बॉडीज हैं जिसका मास गिवन है। बाय द वे यहाँ पे मास का कोई काम नहीं है, ड्रॉप किया गया है, ड्रॉट फ्रॉम द हाइट 16 मीटर 25 मीटर, तो टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। तो इस टाइप के क्वेश्चन वेरी इजी होते हैं, राइट। चूंकि ड्रॉप किया गया है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा, तो ग्राउंड तक पहुँचने में कितना टाइम। तो यहाँ पे जो सिंपल बेसिक इक्वेशन जो सबको मालूम होता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होते हैं, राइट। तो यहाँ पे एस की जगह एच आ गया, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो हाफ एक्सलेशन की जगह जी आ गया, टी स्क्वायर। तो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट आपको आ चुका है, राइट। ये सभी को मालूम होता है। तो यहाँ से ध्यान से देखना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, हाइट पे, राइट। क्योंकि टू कॉन्स्टेंट है, जी कॉन्स्टेंट है, राइट। तो इसलिए मैंने ये बोला, तो एक बार रूट 16 तो 4 आ जाएगा, एक बार रूट 25 तो 5 आ जाएगा। तो रेशियो क्या आ जाएगा, 4/5, डेट इज ऑप्शन ए।